हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता तो है ही कि पेपर आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन यानी जिस तरीके का पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी तरीके का पेपर आपको हाथ में मिलेगा। आपको क्या है, गोले भरने हैं, ठीक है। और पेपर आपका 20 अगस्त में है। कब है? 20 अगस्त का आपका पेपर है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास और कम भी टाइम नहीं है। अब से तैयारी करेंगे तो भी अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या सोचा है कि ऑफलाइन पेपर ही पहले हम कर लेते हैं, यानी जो ऑफलाइन पेपर हुए थे, ऑफलाइन मोड में जो पेपर हुए थे उन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो हमने अब तक दो पेपर सोल्व कर चुके हैं हम। पेपर फर्स्ट की सीडीपी हम कर चुके हैं। कौन से पेपर की? 2019 का जुलाई का पेपर और दिसंबर वाला पेपर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पेपर हम कर चुके हैं, इसकी सीडीपी हमने कर ली है, 30-30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं पेपर सेकंड है ये, इसकी सीडीपी करेंगे, यानी 30 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ये 2019 का पेपर है जो जुलाई में पेपर हुआ था, 2019 में जो जुलाई में हुआ था। कल करेंगे दिसंबर वाला, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि इसी तरीके की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश पैडागोजी की है, उसकी 10 से 12 क्लासेस हम कर चुके हैं जो कि फुल ऑफ कंटेंट है। बाकी और भी एक दो क्लासेस हम करेंगे, फिर उसका भी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैथ की पैडागोजी करेंगे, ईवीएस भी करेंगे, मतलब आपको ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट मिलेंगे सिर्फ एक मैथ का कंटेंट छोड़ के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सेशन में एंड तक बने रहना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 30 क्वेश्चन है सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपका पार्ट फर्स्ट है। इसी तरीके का पेपर आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग, यानी निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क व्यवस्था को पहचानिए। तो कोहलबर्ग ने क्या है, तीन लेवल दिए हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी तीन लेवल की बात करते हैं ये, प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल एंड थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। तीन लेवल दिए इन्होंने, तीन लेवल के अंदर दो दो स्टेजेस हैं, हर एक के अंदर दो स्टेजेस हैं। तो जो पहली स्टेज है वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी दंड आज्ञाकारिता। इसमें बच्चे को क्या है, डर लगा होता है कि अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ करी या कुछ भी गलती करी तो मुझे मेरे बड़े क्या है, दंडित करेंगे, पनिश करेंगे। सेकंड स्टेज जो आती है इंडिविजुअल और एक्सचेंज वाली, यानी टिट फॉर टैट वाली आती है। थर्ड जो स्टेज आती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन की आती है। फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी समाज में क्या है, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करके चलना है, समाज के रूल रेगुलेशंस को ब्लाइंडली फॉलो करना है, जो कि इसमें भी दी हुई है। कहेंगे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यानी समाज में ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। सेकंड स्टेज इसके अंदर जो दी गई है ये स्टेज फाइव है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि ज़रूरत पड़ने पे समाज के जो रूल हैं, समाज के जो नियम हैं, वो बदले भी जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज इसके अंदर जो दी गई है यानी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यानी टिट फॉर टैट। फोर्थ दी गई है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल ऑफ कंजियंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट, यानी इस तरीके के प्रिंसिपल को चूज करना, इस तरीके के सिद्धांतों को पकड़ना जो सभी के हित में हो, पूरी ह्यूमैनिटी के हित में हो, चाहे उसके लिए रूल भी तोड़ने पड़ जाए, कोई भी सोशल एग्रीमेंट तोड़ना पड़ जाए। तो ये सबसे लास्ट की स्टेज होती है, इसमें सारे फ्रीडम फाइटर्स आ जाते हैं, जो कि हमारे हित के लिए जिन्होंने काम किया, जेल भी गए हैं, उन्हें सजा भी हुई है, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को देखते हुए ना भी क्या है, लोगों को देखा और लोगों के हित में काम किया, यानी समाज के हित में काम किया, रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ने के डर उन्हें नहीं था। तो ये था यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, जहाँ पे रूल रेगुलेशन की कोई चिंता ही ना हो, सारी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचें, मानवता के बारे में सोचें, अच्छा करने के बारे में सोचें। ये नहीं है कि रूल टूट जाएगा या हमें सजा हो जाएगी, हो रही है तो हो जाने दो, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, मदर टेरेसा हैं। तो इसी तरीके के जो फ्रीडम फाइटर हैं वो इस स्टेज के अंदर आ जाते हैं, ये लास्ट स्टेज है, ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वन ऑफ द मेजर एकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो कौन सा है मूर्त कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर? एनिमिस्टिक बिहेवियर। तो एनिमिस्टिक बिहेवियर आती है प्री ऑपरेशनल में, प्री ऑपरेशनल के अंदर आती है जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है। यानी कौन एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है, जैसे कि बच्चे को टेबल लग गई तो बच्चा कहता है कि इस टेबल को पीटो, यानी वो नॉन लिविंग चीज को भी लिविंग मान लेता है। ठीक है, एबिलिटी टू कंजर्व, ये बात ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे को क्या है, कंजर्व करना आ जाता है, कंजर्वेशन का कंसेप्ट वो समझ जाता है। शेप और साइन चेंज करने से क्या है, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ उसे समझ आ जाती है कि पानी चाहे 100 ml है, चाहे वो लंबी बोतल में हो चाहे वो छोटी बोतल में हो, 100 ml रहेगा तो कंजर्वेशन का कंसेप्ट बच्चा समझ जाता है। तो ये कौन सी स्टेज में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी बच्चा क्या है तर्क लगाने लगता है, निगमात्मक तर्क लगाने लगता है। तो ये कौन सी स्टेज है, ये है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें बच्चा 12 से 18 साल का रहता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन ये सेंसरी मोटर में होता है, ये सेंसरी मोटर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है, एबिलिटी टू कंजर्व। इसके अंदर 3 आते हैं, CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। ठीक है, यानी बच्चा क्या है उल्टाओ पलटाओ का नियम भी जान लेता है, क्लासिफाई भी करने लग जाता है चीज़ों का वर्गीकरण, और सीरीज में भी लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन प्याजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग एज, यानी जीन प्याजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? तो सारे जितने भी कंस्ट्रक्टिविज्म में ये मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सक्रिय तरीके से सीखते हैं, एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखते हैं, एक्टिवली एंगेज होकर सीखते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जैसे कि जीन प्याजे हैं, लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने लर्निंग को इसी तरीके से देखा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स यानी कौशलों का अर्जन, कंडीशनिंग ऑफ रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रियाओं का अनुबंध, तो इसकी बात बिहेवियरिज्म करते हैं, इसकी बात क्या है बिहेवियरिज्म करते हैं। पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, तो लर्निंग पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम रिपीट करके चीज़ों को सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो भी निष्क्रिय तरीके से, पैसिव तरीके से। फोर्थ है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लर्निंग क्या है, एक मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है, अर्थ निर्माण प्रक्रिया है, जो कि कैसे सीखी जाती है, लर्निंग कैसे होती है, अधिगम कैसे होती है, एक्टिवली एंगेज होके यानी सक्रिय रूप से शामिल होके। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू, यानी समाचार पत्रों से कहानियों व कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करता है जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करता है। गैर परंपरागत यानी भाई ट्रेडिशनल तो वो है कि हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि मम्मी तो घर का काम करती है, मम्मी हमारा खाना बनाएंगी और पापा जॉब पे जाएंगे, ये तो हो गया ट्रेडिशनल। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर में नॉन ट्रेडिशनल देख रहे हैं कि कोई भी इंसान है, कोई भी मेल है, वो घर में खाना बना रहा है और लड़की क्या है फ्लाइट उड़ा रही है या फिर एरोप्लेन उड़ा रही है या फिर कार चला रही है, तो ये नॉन ट्रेडिशनल रोल है। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, ये प्रमोट करेगी जेंडर बायस को? तो बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रमोट नहीं, ये रिड्यूस करेगी, यानी जो जेंडर पक्षपात होता है उसे क्या है घटाएगी, लोगों को अवेयरनेस होगी, पता चलेगा। प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी यानी जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, तो ये भी बढ़ाएगी नहीं, गलत बात है। एनकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स, तो जेंडर रोल्स को क्या है एनकरेज नहीं करेगी, ये एनकरेज थोड़ी ना हो रहा है जब हम नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में देख रहे हैं कि भाई लड़की तो कार चला रही है, ट्रक चला रही है या ऑटो चला रही है और लड़का घर में काम कर रहा है, तो ये क्या है, ये काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप है, क्या है, जेंडर रूढ़ियों का सामना करना। ठीक है, कि भाई कुछ नया देख रहे हैं, गैर परंपरागत देख रहे हैं, जो पहले से हमने नहीं देखा। पहले हम क्या देखते आ रहे थे कि मम्मी घर पे रहती है पापा बाहर जाते हैं, या फिर लड़की घर पे रहती है पापा बाइक चला रहे हैं, फिर लड़की भी स्कूटी चला रही है, लड़की भी बाइक और कार चला रही है, तो ये क्या है गैर परंपरागत है, नॉन ट्रेडिशनल रोल्स हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड सोशलाइजेशन, यानी बच्चे के समाजीकरण में क्या कौन सा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, मीडिया, स्कूल, फैमिली, नाइबरहुड,
तो बताइए कौन सा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो सबसे पहले बच्चे का जो सामाजिकरण है वो फैमिली से होता है, यानी मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी होती है फैमिली, यानी समाज का छोटा रूप, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का जो छोटा रूप होता है वो बच्चे का घर होता है, यानी घर से ही बच्चे का सामाजिकरण होता है। फिर घर के बाद स्कूल आता है, मीडिया आता है, नेबरहुड आता है, तो सभी में सभी का ही रोल होता है बच्चे के सामाजिकरण में। तो सारे ही ऑप्शन ठीक है, यानी फोर्थ के अंदर दिए गए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बी कैटेगराइज। यानी हार्वर्ड गार्डनर ने 8 तरह की बुद्धि पे बात की है कि हर किसी में अलग अलग तरीके की बुद्धि पाई जाती है, तो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया है। तो ये विशेषता कौन से तरीके की बुद्धि की आप पढ़ते हैं, कि एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स टेम्परामेंट्स मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर। यानी ये योग्यता किसके अंदर होती है, जो दूसरों के मूड समझ लेते हैं, दूसरे के टेम्परामेंट, दूसरे के स्वभाव को समझ लेते हैं, दूसरे की प्रेरणा अभिप्राय को समझ लेते हैं, तो ये कौन सी बुद्धि होती है, नेचुरलिस्टिक होती है या फिर इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल या फिर थेरेप्यूटिक। देखो थेरेप्यूटिक तो इनकी थ्योरी में आता ही नहीं है, ये होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आप इसे याद कैसे रखेंगे, जहाँ दूसरों को समझने की बात आ रही है कि दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों के मूड को समझना, दूसरों के टेम्परामेंट को समझना, तो यानी दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, क्या है, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, ये है ना निमोनिक है, शॉर्टकट है, कि इंटरपर्सनल को हम कैसे याद कर सकते हैं, कि इंटरफेयर, हम दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये हुआ इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल क्या होता है, अंतर्व्यक्ति क्या होता है, कि क्या है, खुद को समझना, खुद के मूड्स फीलिंग्स इमोशंस को समझना, क्या कहलाता है, इंट्रापर्सनल कहलाता है। ठीक है, समझ आया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के आकलन में कौन सा तर्क सही है मूल्यांकन में। फर्स्ट ऑप्शन है टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स। यानी बच्चों को क्या है, बच्चों का आकलन करें और फिर उन्हें लेबल कर दें कि भैया ये तो बिल्कुल अचीव नहीं करता बच्चा, ये तो क्लास में डल बच्चा है, ये थोड़ा सा कम अचीव करता है, ये अच्छा अचीवर है, ये टॉपर है, तो उन्हें लेबल कर दें, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों को ना ही लेबल करना है, ना ही सेपरेट करना है, ना ही सेग्रीगेट करना है। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, सही बात है कि असेसमेंट का कारण क्या होता है, क्यों करते हैं हम बच्चे का आकलन, जिससे कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें, तो ये बात तो ठीक है। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी आकलन हम इसलिए भी करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो हमने पढ़ाया है बच्चों ने कितना सीखा, कितना प्रोग्रेस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये बात भी ठीक है। To discuss the capabilities, potential, strength and challenging areas of the child with the parent, तो ये बात भी ठीक है कि बच्चे की जो योग्यता है, बच्चे का जो potential है, संभावना है, उसकी क्षमता, उसके सशक्त, उसके सारे पक्षों को क्या है, discussion करना कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, यहाँ improve कर रहा है, यहाँ इसके gaps हैं, तो ये बात भी ठीक है, इसीलिए तो हम आकलन करते हैं। तो तीनों ही point ठीक हैं, बस first गलत है, तो तीनों second, third, fourth, third option के अंदर दिए गए हैं, तो third option हमारा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा सही है, कि प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है प्रगति, या जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, बच्चे सीख रहे हो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो, खेल खेल में सीख रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा हो, जहाँ पे बच्चे खुद करके सीख रहे हो, वो एग्जाम्पल इस तरीके के दिए जा रहे हों जो उनकी रियल लाइफ से जुड़ते हों, बच्चों की क्या है, बच्चों के पोटेंशियल को रियलाइज किया जा रहा हो, बच्चे को महत्व दिया जा रहा हो, तो ये सारी प्रोग्रेसिव की ही विशेषता होती है। फर्स्ट है टेक्स्ट बुक लर्निंग सेंटर, तो टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल गलत है, ये प्रोग्रेसिव नहीं होगा, ये तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, जहाँ पे सिर्फ बुक पे ही फोकस है। बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे पे विश्वास किया जाता है, उसकी योग्यताओं पे विश्वास किया जाता है, हर एक बच्चे के पोटेंशियल पे विश्वास होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट तो हमें करना नहीं है, यानी बच्चे का क्या है मानक निर्देश, कि सभी के लिए सेम इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, सेम ही आकलन होना चाहिए, तो ये बात गलत है। हर तरीके का बच्चा क्लास के अंदर होता है, तो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है। कैसा देना है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन,
यानी जिस तरीके का बच्चा है उसी तरीके से उसे केटर करना है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं, हमें बच्चों को इंट्रिंसिकली मोटिवेट करना है, यानी अंदर से प्रेरित करना है। बाहर से तो वो प्राइज की वजह से हो जाएंगे कि भैया प्राइज मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, या फिर हमें नेम फेम मिल रहा है, घर के खुश होंगे, बाहर के खुश होंगे, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। लेकिन हमें बच्चों को कैसे करना है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड करना है। और यूनिफॉर्म असेसमेंट नहीं होना चाहिए, मल्टीपल असेसमेंट होना चाहिए, मल्टीपल वेज होने चाहिए असेसमेंट के, यानी अलग अलग तरीके से आकलन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी तो अलग अलग तरीके के ही होते हैं क्लास के अंदर, तो मल्टीपल वेज होने चाहिए असेसमेंट के, आकलन के, मूल्यांकन के, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना कि हर बच्चा कर सकता है, हर किसी के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज जो क्लास के अंदर होते हैं, यानी हर बच्चा अलग अलग होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं उसे समझने के लिए क्या जरूरी है। टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट गिव ईच पर्सन इन स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, यानी वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, या फिर टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, या फिर टू कंसिडरेशन मैच्यूरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, शरीर एवं दिमाग के परिपक्व पर विचार करना, या फिर टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले, यानी अगर हमें बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है तो हम दोनों चीज़ों को कंसिडर करेंगे, उसके जेनेटिक को भी और उसके एनवायरमेंट को भी, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो दोनों को मिला के ही होता है, ठीक है। बच्चे का जो विकास है दोनों को मिला के ही होता है, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। तो पढ़ते हैं, फर्स्ट है इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, यानी हर बच्चा अलग अलग गति से विकास करता है, मतलब अलग अलग गति से कैसे, कि भाई एक बच्चा तो क्या है 8 महीने का, 9 महीने का बोल रहा है, एक बच्चा 11 महीने का बोल रहा है। आपने अपने घर पड़ोस आसपास रिश्तेदारी में देखा होगा कि अगर दो बच्चों की कंपैरिजन करें, या आपकी खुद अपने बहन भाई से कंपैरिजन करें, तो अपनी मम्मी से जब हम पूछते हैं तो मम्मी बताती हैं तू 1 साल की बोलने लगी थी, तेरा भाई क्या है 9 महीने का बोलने लगा था या 11 महीने का बोलने लगा था। तो ये क्या है, जो रेट होती है डेवलपमेंट की वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। कोई जल्दी चलता है, कोई लेट चलता है। सेकेंड ऑप्शन है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, यानी डेवलपमेंट क्या है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक क्या है, सीक्वेंस में चलता है, कि भाई हर किसी को एक स्टेज से होके गुजरना होता है, कोई स्टेज हम स्किप थोड़ी ना कर सकते हैं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी डेवलपमेंट क्या है, जीवन भर चलता है, माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और जब तक हमारा पूरा जीवन है तब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक चलता है, तो तीनों ही ठीक है। फोर्थ है एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, यानी बच्चे का जो विकास है वो जन्म पे ही निर्धारित हो जाता है बिल्कुल सटीक तरीके से, कि भैया इसका विकास ऐसे ही होगा, ये इतना मजबूत बनेगा, आगे जाके खली बनेगा, तो क्या है, विकास सटीक नहीं होता बिल्कुल, कि जन्म से ही सारी चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं, तो यही हमारा गलत है, यानी नोट पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, यानी अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा क्या है, लड़कों को अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं लड़कों के साथ, तो इसका सही विवेचन क्या है भाई, अगर क्लास में लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो मतलब पक्षपात हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, कि बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटी, की लड़कों की जो एकेडमिक कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, तो ये बात तो गलत है। लड़कियाँ UPSC निकाल रही हैं, लड़कियाँ टीचिंग एग्जाम निकाल रही हैं, लड़कियाँ प्लेन उड़ा रही हैं, ऑटो चला रही हैं, कार चला रही हैं, तो ऐसा तो गलत है। बॉयज़ नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, यानी लड़कों को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो ये बात भी गलत है, अटेंशन तो सभी को चाहिए। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भैया यहाँ हो रहा है पक्षपात, यहाँ क्या हो रहा है, जेंडर बायस हो रहा है टीचिंग के अंदर, ठीक है। बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, सभी को एक तरीके से ही नियंत्रित किया जा सकता है, लड़की भी तो हो सकती है इजीली मैनेज। क्वेश्चन नंबर 12,
द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी किसी भी चीज का, किसी भी प्रॉब्लम का ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालना या डाइवर्जेंट सॉल्यूशन निकालना. डाइवर्जेंट सॉल्यूशन क्या होता है, एक तरीके से मल्टीपल सॉल्यूशन निकालना किसी भी प्रॉब्लम का. क्या मल्टीपल सॉल्यूशन, यानी एक से ज़्यादा तरीके सुझाना, उसके ओरिजिनल सॉल्यूशन पे जाना. तो ये किसकी विशेषता है, ईगोसेंट्रिक की है. तो ईगोसेंट्रिक तो होती है अहम केंद्रिता, यानी बच्चा सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को सही समझता है, तो ये तो नहीं होगा. इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की होगी, यानी क्षतिग्रस्त बच्चे की होगी, किसी ना किसी तरीके की उसे क्षति हो रही हो, या तो मेंटली प्रॉब्लम हो, या बॉडीली प्रॉब्लम हो, फिजिकली प्रॉब्लम हो. या फिर क्रिएटिव चिल्ड्रन की होगी, यानी रचनात्मक या सृजनात्मक बच्चे की. या फिर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी किसी कुछ ना कुछ अक्षमता वाले जो बच्चे हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक है. तो भाई ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है क्रिएटिव बच्चे की. भाई क्रिएटिव तो नई नई तरीके से सोच सकता है, क्रिएटिव तो सोच सकता है डाइवर्जेंट सॉल्यूशन. तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इंस्ट्रक्शन एडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड, यानी दृश्य रूप से जो बाधित बच्चे हैं, यानी जिन्हें देखने में दिक्कत है, उनके लिए किस तरीके के इंस्ट्रक्शन टीचर को अपनाने चाहिए, बताइए. स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटीरियल, की भाई तेज तेज बोले और क्लियर बोले. तेज तेज का मतलब है कि आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जो बच्चे के कान तक सुनाई दे और उसे समझ आए. और ज़्यादा से ज़्यादा टच एंड फील मटीरियल बच्चे यूज़ करें. तो ये बात तो सही है, जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं जिन्हें देखने में दिक्कत होती है उनके लिए सबसे बढ़िया है टेक्टाइल एलिमेंट. टेक्टाइल मटेरियल क्या होता है, जिन्हें वो हाथों से टच एंड फील करके पढ़ सके. आंख तो उनकी आंखों से तो उन्हें दिखता नहीं है, तो वो टच करके पढ़ सके, टच एंड फील करके, ठीक है. सेकंड ऑप्शन है यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी बच्चे को देखने में तो पहले से ही दिक्कत है, उसे तुम देखने वाली ही वैरायटी की चीजें दे रहे हो. ओरिएंट हरसेल्फ सो दैट स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली, यानी अपने उन्मुख रहना चाहिए जिससे कि बस बच्चा ध्यान से टीचर को देखे, तो ये भी गलत है. रिटन टास्क पे फोकस करें, स्पेशली वर्कशीट पे, तो बच्चे को देखने में दिक्कत है, पहले उसे क्या है रिटन टास्क तुम दे रहे हो, तो ये भी गलत है. फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14. कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग डैश इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी सहयोगात्मक जो अधिगम है और पीयर ट्यूटोरिंग है, यानी हम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाना, ये कैसा है, डैश है इंक्लूसिव क्लासरूम में. तो इसे क्या करना चाहिए, एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए, यानी सक्रिय रूप से क्या है आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर डिस्करेज करना चाहिए. तो भाई अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो डिस्करेज तो क्यों ही करेंगे, हतोत्साहित थोड़ी ना करेंगे, क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे, प्रमोट करेंगे. यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है. ओकेशनली यूज करेंगे तो ये भी गलत है, या फिर शुड नॉट यूज, ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत होते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी समावेशी कक्षा में कौन सा एक महत्वपूर्ण है. यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, तो हमें एक रूप निर्देश नहीं देना होता, हमें कैसा देना होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना होता है. कैसा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदीकरण निर्देश, कि हर बच्चा अलग होता है, तो हर बच्चे को केटर करने के लिए अगर हमें हर बच्चे की नीड्स, एबिलिटी, डिज़ायर, इंटरेस्ट को देखना है, तो हमें अलग अलग तरीके से ही ध्यान देना पड़ेगा. स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग हो, तो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग तो बिल्कुल गलत होती है, यानी बिल्कुल रिजिड टेस्टिंग तुम कर रहे हो, तो ये भी गलत है. हमें फ्लेक्सिबल टेस्टिंग करनी है. प्रमोटिंग कम्पिटिटिव लर्निंग, की प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, तो कम्पिटिशन को भी हमें बढ़ावा नहीं देना है. हमें क्या करना है, इंक्लूसिव क्लासरूम में इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को फॉलो करना है, यानी IEP को. इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या होता है, यानी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, यानी हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्लानिंग होनी चाहिए, कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या उसे समझ आ रहा है, या फिर किस तरीके से समझ आएगा. अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, तो तरीका बदल सकते हैं, वैरायटी ऑफ वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच पेयर ऑफ लर्नर एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कौन सा इनमें से मैच कर रहा है. हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर, यानी जिन्हें सुनने में दिक्कत है उनके लिए क्या है, कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन. तो भाई सुनने में ही तो दिक्कत है, तो ये तो गलत हुआ, ये इससे मैच थोड़ी ना हो रहा है, कि वो क्या है, देखने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी याद नहीं कर सकते, तो ये तो गलत है. सुन ही तो नहीं सकते, देख तो सकते हैं, तो ये तो मैच नहीं हुआ.
सेकेंड है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर होता है, यानी लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। ये बात ठीक है, जिसे डिसलेक्सिया होगा वो क्या है, अच्छी तरीके से पढ़ लिख नहीं सकता। ज़्यादा फोकस किस पे होता है? रीडिंग पे होता है, यानी उसे वो सही तरीके से पढ़ नहीं सकता। डी को बी पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, डॉग को गॉड पढ़ेगा, गॉड को डॉग पढ़ेगा, वाज को सा पढ़ सकता है, सा को वाज पढ़ सकता है, तो उसे क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर होगा। यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही मैच करता है। क्रिएटिव लर्नर क्या है? हाइपर एक्टिव स्लो इन कम्पिटिटिंग वर्क। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्रिएटिव लर्नर यानी जो रचनात्मक बच्चा होगा वो कोई स्लो वर्क करेगा नहीं भैया, वो तो क्या करेगा, फास्ट करेगा, यानी जल्दी से अपना काम पूरा कर लेगा। तो ये भी गलत हुआ। ADHD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ADHD उन्हें होती है जो एक टाइम पे एक जगह ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा सकते, कंसंट्रेशन नहीं लगा सकते। तो इसमें लिखा है कि लॉन्गर पीरियड तक कंसंट्रेशन लगा सकते हैं, तो ये भी गलत है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। कौन सा एक अधिगम को सुगम बनाने के लिए सही नहीं है? तो बताइए, कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी अगर हमें मीनिंगफुल लर्निंग करनी है, अर्थपूर्ण अधिगम करना है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ के नए ज्ञान में, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तो सही है, और पूछा क्या है, नॉट, यानी गलत बताना है। प्रमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल, यानी रट्टे को रिकॉल करने को हम बढ़ावा देंगे, तो यही ऑप्शन हमारा सही होता है, क्योंकि ये गलत है। हम क्या है, प्रमोट नहीं करते हैं कभी रिपीटेशन को, रिकॉल को, क्योंकि बार बार अगर एक ही बच्चे से एक ही चीज़ को रिपीटेशन करा रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं, रटवा रहे हैं, जैसे कि 2 का टेबल 5 का टेबल रटवा रहे हैं, तो ये मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती, ये क्या होता है, रट्टा होता है, ठीक है। थर्ड है यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल। तो ये बात ठीक है, अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो कुछ हमें बुक से भी एग्जाम्पल देने चाहिए और कुछ बाहर से भी एग्जाम्पल देने चाहिए, जिससे कि बच्चे को क्लियर हो जाए। Encouraging multiple ways of looking at a problem, किसी भी समस्या के अलग अलग तरीके हमें सुझाने चाहिए, इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि मल्टीपल वेज होने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के, तो ये बात भी ठीक है। हमसे क्या पूछा है, गलत, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। Which of the following would not be consistent with a constructivist environment? यानी कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता? Students are given frequent opportunity to engage in complex, meaningful, problem-based activities. यानी विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो सही बात है। स्टूडेंट वर्क कोलाबोरेटली, यानी बच्चे क्या हैं, एक दूसरे को सहयोग करके काम कर रहे हैं। आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर, यानी क्या है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, तो ये भी बात सही है। थर्ड है टीचर्स एलिसिट स्टूडेंट आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू की टॉपिक्स एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू एलेबोरेट और रीस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज। यानी शिक्षक क्या करेगा, प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थी के विचारों और अनुभव को प्राप्त करते हैं तथा वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचनाएं विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं, तो ये भी ठीक है। फोर्थ है टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ टर्म असेसमेंट स्ट्रेटेजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, तो यही बात गलत है कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावास मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रिया के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। यानी किस पे फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे, लेकिन हमें किस पे फोकस करना चाहिए, प्रोसेस पे, तो यही गलत हुआ, शायद नोट ही पूछा गया है, हाँ नोट ही पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रेदर देन डैश गोल्स, यानी टीचर को किस चीज के लिए एनकरेज करना चाहिए, लर्निंग गोल्स के लिए, मतलब पहला है यहाँ पे, पहला भरना है तो पहला पहला ही देखेंगे, लर्निंग गोल्स के लिए या फिर परफॉर्मेंस गोल के लिए, फेलर अवॉइडिंग गोल्स के लिए या फिर मार्क सीकिंग गोल्स के लिए। तो बच्चे को क्या है, ना तो मार्क्स के लिए उकसाना है कि भाई मार्क्स ले आओ, अच्छे अच्छे मार्क्स ले आओ, या फिर फेलर अवॉइडिंग गोल्स की बस फेल होने से बच जाओ इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें, या फिर बस तुम्हें परफॉर्मेंस लानी किसी भी तरीके से 90% लिया और रट्टा लगा के जाए, या फिर लर्निंग गोल्स पे फोकस करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, टीचर को एनकरेज करना है बच्चे को लर्निंग गोल फोकस करने के लिए बजाय किसके, परफॉर्मेंस गोल के, ठीक है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, यानी प्रभावी अधिगम रणनीतियों के कौन से उदाहरण हैं। सेटिंग गोल एंड टाइम टेबल, अगर हमें लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो क्या रणनीति हमें बनानी होगी कि भाई अपना गोल सेट करें कि हमारा गोल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं कि इतने घंटे हमें पढ़ना है या आज हमें ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। ऑर्गेनाइजेशनल और कंसेप्ट मैप चार्ट्स बनाएं, इस तरीके का चार्ट बनाएं पूरा संगठित करके कंसेप्ट मैप बनाएं, तो ये बात भी ठीक है। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल्स के बारे में सोचें, तो ये भी ठीक है। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल्स देना या सोचना बहुत ही अच्छा होता है, उदाहरण और गैर उदाहरण। एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, यानी हम उम्र साथियों को समझाना कि अपने साथ के हैं उन्हें समझा रहे हैं या वो हमें समझा रहे हैं। सेल्फ क्वेश्चनिंग करना, यानी खुद से ही अपने मन में देखना कि हमने कितना पढ़ा है, जो मैं पढ़ रही हूँ ये सही है या ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इसका आंसर सही है नहीं, खुद से ही क्वेश्चनिंग करना, तो सारे ही ठीक हैं। अगर हमें इफेक्टिव लर्निंग की रणनीति बनानी है तो सारे ही ठीक हैं। फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर सारे दिए गए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी बाहरी प्रेरणा, कि भाई बाहर से प्रेरित, जैसे कि वो चने के पेड़ पे चढ़ाना कि बाहर से, बस बाहर से चढ़ जाए, बाहर पे बाहर से खुश हो जाए। तो बाहर से खुश कब होगा बच्चा? जब बच्चे को ये लगेगा कि भाई मुझे नंबर अच्छे लाने हैं, प्राइज मिलेगा, या फिर मुझे नंबर अच्छे लाने हैं मम्मी खुश हो जाएंगी, पड़ोसियों को दिखाना है, पड़ोसियों को जलाना है, तो ये क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो पढ़ते हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। फर्स्ट है, आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन। भाई अपने मजे के लिए पढ़ रहा है तो वो अंदर से मोटिवेटेड है, वो तो अंदर से प्रेरित है। आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, यानी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ जब मैं होमवर्क करता हूँ, तो भी अंदर से प्रेरित है, उस पर कोई बाहरी कारक थोड़ी ना काम कर रहा है। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट बेटर, कि जब मैं होमवर्क करता हूँ तो मेरे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाते हैं, तो ये भी बात सही है। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट, कि मैं अपना काम इसलिए पूरा करता हूँ क्योंकि टीचर मुझे हर एक असाइनमेंट पे नंबर देती है, तो वो नंबरों के लिए काम कर रहा है, तो ये क्या है? बाहरी प्रेरणा है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 22, इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओनली गिव ओनली एग्जाम्पल्स की एग्जाम्पल्स दे, या फिर गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल। देखो, एग्जाम्पल देना भी ठीक है और नॉन एग्जाम्पल देना भी ठीक है, लेकिन ओनली जहाँ पे आ गया, यानी आंसर हमारा लिमिटेड हो गया कि भाई इससे बाहर कुछ है ही नहीं, तो ये तो गलत हुआ। गिविंग बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे को उदाहरण भी दो और गैर उदाहरण भी दो, यानी जो हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसका भी एग्जाम्पल दो और उसके बाहरी उदाहरण भी दो, जिससे कि बच्चे को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। नॉट गिव एनी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, कि भाई उसे कैसा भी एग्जाम्पल मत दो, तो ये तो गलत है, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, यानी कौन सी रणनीति क्या है मीनिंग मेकिंग को प्रमोट करेगी, अर्थपूर्ण अधिगम को प्रमोट करेगी। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, की अन्वेषण करना और चर्चा करना, तो मीनिंग मेकिंग होगी। सही बात है भाई, बच्चे जब एक्सप्लोर करेंगे, अपने चारों तरफ देखेंगे, चीज़ों को अन्वेषण करेंगे, डिस्कशन करेंगे दोस्तों के साथ, घर को के साथ, टीचर्स के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, तो उनकी लर्निंग क्या है? मीनिंगफुल होगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही हो गया, बाकी सारे गलत है, कि सूचनाओं का संरचन, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप और मानकीकृत परीक्षण करना, तो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग तो हमेशा गलत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, मैंने इतने प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई सेट नहीं देखा है जिसमें ये क्वेश्चन ना हो, चाहे वो ऑनलाइन का क्वेश्चन हो चाहे वो ऑफलाइन का हो। चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शन, यानी बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं, यानी बच्चों के दिमाग में जो गलतियां बन जाती हैं, जो एरर आ जाते हैं, जो मिसकंसेप्शन यानी कंसेप्ट, गलत कंसेप्ट बन जाता है, तो वो क्या होता है? भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक सिग्निफिकेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण स्टेप है, सिग्निफिकेंट स्टेप है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, तो ये बात तो ठीक है। अगर बच्चे के दिमाग में कोई गलत कंसेप्ट बना है, कोई बात नहीं, उसे सोल्व कर लेंगे डिस्कशन करके, लेकिन ये एक लर्निंग का प्रोसेस ही तो है ना, सही बात है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, बाकी भी पढ़ लेते हैं, कि एक हिंड्रेंस है, ऑब्स्टिकल है, कि भाई ये रुकावट पैदा करेगा या फिर ये विघ्न डालेगा, तो भैया ये बात तो गलत है। मिसकंसेप्शन या एरर तो सब करते हैं, गलतियां तो सब करते हैं, या फिर इसे इग्नोर करना चाहिए, तो हम क्यों इग्नोर करेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे, है ना।
इससे बच्चे क्या है इंफीरियर फील करते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यू एज, यानी संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है बच्चे को किस तरीके से देखते हैं कि बच्चा क्या है, एक्टिव एक्सप्लोरर है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। पियाजे ने कहा है कि बच्चा नन्ना वैज्ञानिक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं। तो पढ़ते हैं ऑप्शन, मिनिएचर एडल्ट है हु इज लेस देन एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट, यानी मिनिएचर एडल्ट है यानी छोटा है, बड़ों से बड़ों की बराबरी में, साइज से भी छोटा है, दिमाग से भी छोटा है, इमोशन से भी छोटा है। तो भैया ये बात तो गलत है, बच्चे बड़ों के जितना ही सोच सकते हैं, उनमें बड़ों के जितना ही दिमाग होता है, बस उनकी सोचने की जो क्वालिटी है वो अलग होती है कि बच्चा खिलौने के बारे में सोचता है और बड़ा क्या है, गाड़ी के बारे में सोचता है। ठीक है, टेबुला रासा और ब्लैंक स्लेट की बच्चा खाली बर्तन के समान है, तो ये बात भी गलत है। बच्चा जब क्लास में आता है तो अपने साथ अपने अनुभव लेके आता है, वो कोई खाली बर्तन नहीं है। पैसिव बीइंग है कि एक निष्क्रिय प्राणी है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, एक्टिव होते हैं, प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो फोर्थ ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, अ टीचर्स रोल्स वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, यानी एक अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, टीचर का क्या रोल होता है, साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट देम व्हाट द चिल्ड्रन कैन डू, यानी बस चुपचाप रहें, बच्चे जो कर रहे हैं करने दो, तो ये होता है टीचर का रोल, या फिर लीव द क्लास एंड लेट द चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन, यानी क्लास को छोड़ दे, बच्चे जो कर रहे हैं करने दो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, या फिर टीचर क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए और मॉनिटर करे हर एक ग्रुप को, यानी हर एक ग्रुप को देखे कि बच्चे क्या कर रहे हैं और जहाँ उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ उन्हें सपोर्ट करें, तो यही तो टीचर का रोल होता है। इस टू सपोर्ट द ग्रुप विच आर ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, की उस ग्रुप को सपोर्ट करें जिसमें बहुत ही अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हों, तो ये तो पक्षपात हो गया, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, यानी जो विकास है और जो अधिगम है इनके बारे में क्या सही है, कौन सा सही है, क्या इनका रिलेशन है। तो भाई विकास क्या होता है, माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और कब्र तक चलता है, यानी विकास क्या है कि हम दिन पे दिन ये तो समझदार होते जाते हैं, मैच्योरेशन हमारे अंदर आती है, एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, तो ये सारे क्या है, विकास का हिस्सा है। लर्निंग क्या है कि हम चीज़ें सीखते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि डेवलपमेंट और लर्निंग एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, लर्निंग टेक्स प्लेस इररेस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, तो ये भी गलत है कि अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित हो जाता है। या जो रेट ऑफ लर्निंग है यानी अधिगम की जो दर है विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, तो ये भी गलत है। डेवलपमेंट और लर्निंग जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। अब जैसे कि बच्चे का जो विकास है वो माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है, अब जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है उसका विकास भी होता जाता है, अब बच्चा क्या है उसके मांसपेशियाँ डेवलप हो रही है यानी मजबूत हो रही है अंदर से, तो वो क्या है लड़खड़ाना सीख रहा है, खड़े होना सीख रहा है। ठीक है, तो जैसे वो खड़े होता है तो वो हो रहा है उसका विकास, लेकिन अगर उसे सिखा रहे हैं उसके घर के, भाई सिखाते तो हैं कि आ जाओ एक कदम चलो, दो कदम चलो या वहाँ तक चलो, तो वो क्या है लर्निंग है, यानी डेवलपमेंट और लर्निंग क्या है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अंत्य संबंधित है और अंत्य निर्भर है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड, यानी पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है, यानी मेंटल स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, जो दिमाग में संरचना बनती है, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है, जो हमारे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, यानी इसे हम स्कीमा ही तो कहते हैं, जो मेंटल स्ट्रक्चर हैं, मानसिक संरचनाएं हैं, जो हमारे दिमाग में डेटा कलेक्ट है, जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन है, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 29, विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच अलोन, जहाँ पे बच्चा या लड़की
खुद जा सकती थी और जहाँ वो किसी की हेल्प से जा रही है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ZPD बोलेंगे, इक्विलिब्रेशन, कंजर्वेशन और इंटेलिजेंस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई? हम उसे बोलेंगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जितना वो खुद कर पा रही थी और जितना वो सपोर्ट के साथ कर पा रही है, जो ये क्षेत्र है बीच का, इसे हम ZPD बोलते हैं, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। ये पियाजे की थ्योरी का है, ये गार्डनर, सॉरी इंटेलिजेंस है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरीली थ्रू, यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदल सकता है, किसके द्वारा? तो लेव वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? रिवार्ड और पनिशमेंट की करते हैं। तो रिवार्ड और पनिशमेंट की बात कौन करते हैं? बिहेवियरिज्म करते हैं। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन की। बच्चा क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है, समाज से सीखता है। ठीक है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया करके सीखता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन की बात भी बिहेवियरिज्म करते हैं। एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात पियाजे करते हैं। तो इस तरीके से भी हम अपने ऑप्शंस को काट सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, कि हमें अगर पता हो कि कौन सी थ्योरी के अंदर कौन कौन से टर्म हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरीके से भी कट जाते हैं कि भाई सोसाइटी और सोशल इंटरेक्शन की बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ भी आप ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक शेयर करके जाएं।